रियो ओलंपिक के लिए सलमान खान को गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने के विरोध में रेसलर योगेश्वर दत्त के बाद अब मिल्खा सिंह भी नाराज हो गए हैं और योगेश्वर दत्त ने तो ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। योगेश्वर दत्त इससे इस्तीफाक नहीं रखते और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह इंडियन ओलंपिक संघ के फैसले से सहमत हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूर्व और मौजूदा एथलीटों के बाद क्या भारतीय ओलंपिक संघ अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा? से 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो शहर में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने सलमान खान को भारतीय दल के लिए गुडविल एम्बेसडर चुना है। सलमान को रियो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर बनाने की घोषणा शनिवार को हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने मुख्यालय में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सलमान को दावेदारों की सूची में शामिल 2-3 नामों में से चुना गया, जिसमें शाहरुख खान और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल था। And I did, of course, tell all of them, being or one would call qualifying the Olympics is a great hurdle, but the bigger hurdle is to win a medal. And there's no substitute for hard work. I'm sure all of them are doing extremely well in their training, and we wish them all the very best for Rio, and hopefully they'll make India proud and bring more laurels to India. वहीं रियो के लिए गुडविल एम्बेसडर चुने जाने पर सलमान खान काफी खुश हैं। सलमान का कहना है कि स्पोर्ट्स के लिए उनसे जो हो पाएगा वह जरूर करने की कोशिश करेंगे। रियो ओलंपिक सन 2016 के गुडविल एम्बेसडर सलमान को चुने जाने पर सलमान ने कहा कि देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी संभव होगा उसे करने के लिए वह कोशिश करेंगे। एक वो रिस्पेक्ट की एक बात होती है कि यार ही सपोर्टिंग अस, वी नीड टू गिव अस गिव आवर बेस्ट, यू नो वी नीड टू डेफिनेटली गो एंड यू नो गेट मेडल्स फॉर द कंट्री, विल यू नो विल गिव इट आवर बेस्ट शॉट। सो दिस इज व्हाट परहैप्स आई एम होपिंग टू अचीव। आई मे अचीव इट, आई मे नॉट अचीव इट, वो ओनली ऊपर वाला नोज, बट आई जस्ट वांट टू बी देयर के एक धक्का मारो धीरे 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 फॉर एवरीवन टू जस्ट टू एक्सेल एंड टू डू बेटर। रियो ओलंपिक में लिए सलमान खान को गुडविल एम्बेसडर चुने जाने पर मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने खुशी जाहिर की है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के इस फैसले से मिल्खा सिंह और योगेश्वर दत्त सबसे ज्यादा खफा हैं। पहलवान योगेश्वर दत्त ने IOC के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर ने ट्वीट किया, एम्बेसडर का क्या काम होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या, क्यों पागल बना रहे हो देश की जनता को। योगेश्वर दत्त ने सलमान खान को नसीहत देते हुए कहा है कि कहीं भी जाकर अपनी मूवी का प्रमोशन करें, इस देश में अधिकार है लेकिन ओलंपिक मूवी प्रमोशन की जगह नहीं है। वहीं पूर्व भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह ने भी सलमान खान को गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मिल्खा सिंह का कहना है कि IOC का यह फैसला गलत है। जो IOC ने डिसीजन किया है वो गलत डिसीजन है। बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एम्बेसडर भेजने की जरूरत ही क्या है। बहरहाल जिस तरह से गुडविल एम्बेसडर के मुद्दे पर सलमान खान का विरोध हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि देश में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी हैं जो IOC के फैसलों से खुश नहीं हैं। अब देखना होगा सलमान खान का विरोध योगेश्वर दत्त और मिल्खा सिंह तक ही थम जाता है या फिर इस विवाद में कुछ और लोग कूद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़।